the greatest match winner ever, the mighty man Inzamam Ul Haq. अस्सलामु अलैकुम एमएमसी स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं सुहेल खान। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक तो स्पोर्ट्स अपडेट्स तो आपको देंगे ही, लेकिन हफ्ते में एक वीडियो हम आपके लिए ऐसी भी लेकर आएंगे जिसमें पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन के हवाले से उनकी हिस्ट्री और उनके मेमोरेबल अचीवमेंट्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, ये वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 1992 वर्ल्ड कप की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये वो हैं जिन्हें द ग्रेटेस्ट मैच विनर कहा गया। बैटिंग के हवाले से इनका जितने अनगिनत और बेहतरीन रिकॉर्ड्स हैं, अगर मैं उन पर बात करना शुरू करूं तो शायद एक वीडियो तो बहुत कम पड़ जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इनके हवाले से बात करें। द माइटी मैन के नाम से पहचाने जाने वाले पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, बेहतरीन इंटरनेशनल क्रिकेटर, बैटर, साबिक कोच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, साबिक चीफ सेलेक्टर, द ग्रेटेस्ट मैच विनर एवर, द माइटी मैन इंजमाम उल हक। इंजमाम उल हक के बारे में आपको अगर हम बताएं, बहुत सारी मुनफरद चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट ये कि 3 मार्च 1970 इनकी तारीख पैदाइश है और अपना कैरियर इन्होंने फर्स्ट क्लास में यूथ वर्ल्ड कप भी खेला, लेकिन असल उनकी परफॉर्मेंसेस रही उसके बाद 1991 में इन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिला। और अपने दूसरे ही मैच में, हालांकि ये बैटर थे, इन्होंने गेंदे शुरू में करवाते थे, स्पिन बॉलिंग किया करते थे, और उन्होंने ब्रायन लारा की विकेट हासिल की और ब्रायन लारा को अपनी वनडे इंटरनेशनल के कैरियर की पहली गेंद पर उन्होंने आउट किया। ऐसा करने वाले वो दूसरे पाकिस्तानी थे। पर वर्ल्ड कप से पहले होने वाली श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज़ में इन्होंने 2 सेंचुरियाँ बनाई और वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह को कंफर्म किया। पूरे वर्ल्ड कप में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आए, ज़्यादा अच्छे रन नहीं बना सके। जॉन्टी रोड्स ने इन्हें बड़े ज़बरदस्त अंदाज से रनआउट भी किया, लेकिन फिर सेमीफाइनल और फाइनल में जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, अनबिलीवेबल 37 गेंदों में 60 रन, फाइनल में वो 42 रन, और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने में भी एक अहम तरीन किरदार अदा किया। उसके बाद इनको इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला इसी साल 1992 में। और मैं आपको मज़ीद अगर इनके बारे में बताऊं तो बताने का तो खैर बहुत कुछ है। स्टैट्स आप इनके देख पाएंगे इनके तौर पर स्क्रीन पे, तो 120 टेस्ट मैचों में 8,830 रन हैं, फिर 11,739 रन हैं, 25 टेस्ट सेंचुरियाँ इन्होंने स्कोर की, 17 में पाकिस्तान को जीत हासिल हुई, 10 सेंचुरियाँ और 83 मिस सेंचुरियाँ इन्होंने स्कोर की वनडे क्रिकेट में। अगर इनकी परफॉर्मेंसेस की हम बात करें तो 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने कराची में शानदार लास्ट विकेट की पार्टनरशिप में मुश्ताक अहमद के साथ मैच जितवाया और इन्होंने 58 नॉट आउट वहाँ पे किए। 1996 में इंग्लैंड में लॉर्ड्स में इन्हें सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। 1999 में एशियन टेस्ट चैम्पियनशिप में इनकी डबल सेंचुरी रही है। अवे जाकर इन्होंने जो है वो 1999 में ऑस्ट्रेलिया में भी एक टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। इनकी पहली 8 टेस्ट सेंचुरियाँ 8 मुख्तलिफ ममालिक में हैं। वनडे क्रिकेट में बहुत कंसिस्टेंट रहे, और अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने वनडे करियर में 10 सेंचुरियाँ, जैसे मैंने कहा 83 मिस सेंचुरियाँ स्कोर की। और 2002 में इन्हें एक एजाज़ हासिल ये हुआ कि ये पाकिस्तान की तरफ से हनीफ मोहम्मद के बाद ट्रिपल सेंचुरी बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बैटर बने, और कमाल ही इन्होंने कर दिया। 99 में जब पाकिस्तान की टीम फाइनल तक वर्ल्ड कप में पहुंची तो उसमें भी इनका बड़ा अहम किरदार रहा। एक अरसे तक पाकिस्तान की हाईएस्ट वनडे पार्टनरशिप के ही आमिर सोहेल के साथ हिस्सेदार थे, रिकॉर्ड बाद में कहीं जाके टूटा। 2003 के वर्ल्ड कप की मुकम्मल नाकामियों के बाद जब इन्हें दोबारा बांग्लादेश के दौरा पाकिस्तान के मौके पर वापस लाया गया था तो बड़ी बातें हुई, नाकाम हो रहे थे, बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब थे, और कहा यही जा रहा था कि मुल्तान में अपनी आखिरी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वो आखिरी इनिंग्स इतनी शानदार थी कि बांग्लादेश के खिलाफ एक हारे हुए मैच में पाकिस्तान को 1 विकेट से फतह मिली, और वो 1 विकेट से फतह में इनका 138 रन की वो नॉट आउट इनिंग्स है जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और उसके बाद इन्हें पाकिस्तान की टीम का कप्तान बना दिया गया टेस्ट वनडे क्रिकेट में, ऐसी बात है दोनों तरह से क्रिकेट में। उसके बाद भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई, हारी हुई वनडे सीरीज़ में 2 सेंचुरियाँ उन्होंने स्कोर की, अनफॉर्चुनेट टेस्ट सीरीज़ भी हारे, लेकिन अपनी बैटिंग के अंदाज़ में जो उनकी एक हमने देखी थी कंसिस्टेंसी, वो 2003 से जो शुरू हुई वो कंसिस्टेंट जारी रही। 2005 के दौरे भारत में अपने कैरियर के 7वें टेस्ट मैच में बेंगलुरु में इन्होंने 184 रन बनाए, और जावेद मियांदाद के बाद अपने 100 टेस्ट में सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बने। वेस्ट इंडीज़ में जमैका में सेंचुरी बनाकर पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज़ बराबर की, और फिर इंग्लैंड के खिलाफ फैसलाबाद में पहली इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर जावेद मियांदाद की सेंचुरियों के रिकॉर्ड को बराबर किया, और अगली इनिंग्स में सेंचुरी बनाकर उनका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपनी आखिरी टेस्ट सेंचुरी भारत के खिलाफ फैसलाबाद में स्कोर की, जो उनकी टेस्ट कैरियर की 25वीं और आखिरी सेंचुरी साबित हुई। 25 में से 17
टेस्ट सेंचुरीज में पाकिस्तान को फतूहत हासिल हुई। उसके बाद कुछ फॉर्म इनकी डाउन एंड आउट रही, लेकिन पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज जीती और 2007 में इनका कैरियर ज़ाहिर बात है वर्ल्ड कप में इन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट से पहले इन्हें एक फेयरवेल टेस्ट मैच लाहौर में दिया गया, जहां इंज़माम उल हक खेले और जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन सिर्फ 3 रन की कमी से वो ये रिकॉर्ड ना बना सके, रिकॉर्ड ना तोड़ सके और पाकिस्तान की टीम की तरफ से उनका कैरियर जो है वहीं ख़त्म हुआ। और कमाल के वनडे परफॉर्मेंसेस भी हैं इनकी, भारत के खिलाफ सेंचुरीज हैं, 4 सेंचुरीज वनडे क्रिकेट में इनकी भारत के खिलाफ हैं, जिसमें से शारजा में खास तौर पर 2 सेंचुरीज हैं 1999 में और 2000 में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड तमाम ममालिक के खिलाफ वनडे क्रिकेट में बड़े शानदार रहे, रनआउट होने की वजह से जाने जाते थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी उम्दा बैटिंग के ज़रिए से पाकिस्तान के लिए हमेशा अगर 50 रुपये या 60 पे या 100 से पहले तक पहुँचते पहुँचते 3 या 4 खिलाड़ी आउट हो जाते थे और कहा जाता था कि एनजी भाई मौजूद हैं क्रीज पर, तो आप ये कह सकते थे कि पाकिस्तान की टीम के लिए चांसेस हैं। अहमदाबाद में आखिरी बॉल पर सचिन तेंदुलकर को चौका लगाकर वनडे मैच भी जितवाया ग्रेट इंज़माम उल हक ने। अफगानिस्तान के हेड कोच रहे, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रहे और अभी भी हमें मुख्तलिफ एज एन एक्सपर्ट नज़र आते हैं टीवी चैनल्स पे, और हम मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वक्त में भी नज़र आएंगे किसी न किसी पोस्ट पे, हो सकता है एज अ कोच या एज अ सेलेक्टर नज़र आएँ, जितनी कैपेबिलिटीज़ हैं इंज़माम उल हक की। तो ग्रेट इंज़माम उल हक की हमने कुछ एक बायोग्राफिकल हिस्ट्री हमने शामिल की आज की इस वीडियो में, और आप अगर किसी प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस खिलाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, हम आपको उसके बारे में उसकी मुकम्मल बायोग्राफी ज़रूर बताएंगे।